एक तो आपने गरम चाय की प्याली की भी बात कर दी, कोरोना में जो सबसे ज्यादा महसूस सुबह सुबह की गई होगी, शादी की बात भी आप भी कर दी जिसमें सिर्फ 50 लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है। ये बताइए आपके बीते 8-9 महीने ये जो पूरे कोरोना पीरियड के थे ये कैसे रहे? देखिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की सारे विश्व की बात है। बड़े मुश्किल से बीते हैं लेकिन इंसान की कमाल एडेप्टेबिलिटी की आदत होती है, जब वेन इज कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम उसको सामना भी करता है। और खास करके हमारे हिंदुस्तानी जो बड़े रेसिलेंट लोग हैं, और मार्च 22 को जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि आपको अपने घरों में रहना पड़ेगा, वहाँ से लेकर आज तक एक बड़ा ही कठिन और बड़ा ही सीखने वाला सफर है। करते क्या थे आप, अगर जल्दी से कुछ बता पाए, जो आपके फैंस है वो जानना चाहते हैं कि घर में रह के अनु मलिक जी क्या किया करते? मैंने अपने घर को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, यानी कि मेरी पत्नी, परिवार मेरा सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां अनमोल और अदा, मैं उनको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ। और मैं उस घर में जब रहा तो मुझे पता लगा कि कितना काम घर की औरत करती है। वाह क्या बात है, तालियां। ये मुझे उस वक्त पता लगा क्योंकि मैं इस दिमागी फितूर में था कि भैया हम ही काम करते हैं और हम ही बाहर जाके नाम कमाते हैं और हम ही फिर घर पर जब आते हैं तो हम इस घर को चलाते हैं। वो मेरा चकनाचूर फितूर टूट चूर चूर हो गया। मैंने घर में अपनी पति को जब काम करते हुए देखा तो मैंने सीखा कि घर एक्चुअली अगर वो ना हो तो चल ही नहीं सकता है। औरत इज अ गिफ्ट टू मैनकाइंड। मैं अपनी बेटियों को समझता हूँ कि जो मेरी दो बेटियाँ हैं वो मेरी जिंदगी हैं, एंड दे आर अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स। के अ सन इज अ सन टिल ही गेट्स हिमसेल्फ अ वाइफ, बट अ डॉटर विल ऑलवेज बी अ डॉटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने बहुत कुछ किया घर में, मैंने घर में घर की क्लीनिंग भी की है, मैंने हर दिन उठकर अपना कहा जाता था करने के लिए या खुद से आप बिल्कुल नहीं मुझे 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 अब अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लगता है कुछ कमी है जिंदगी में। अब आजकल जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे मैं अपने पहले अपने बिस्तर को ठीक करता हूं, बिकॉज व्हेन यू क्लीन योर बेड, व्हेन यू मेक योर बेड, इट गिव्स अ पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसा लगता है कि हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो गिफ्ट मिल गई है तो आप गाने बना रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू क्लीन द हाउस, टू वॉश द डिशेज, टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और अपने अपने घर के कोने कोने हमने डिस्कवर किए हैं, और आपने तो गाना भी बना दिया था मार्च में कि रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, अरे प्रभु कुछ करेंगे हम ऐसे ना मरेंगे, प्रभु कुछ करेंगे हम ऐसे ना मरेंगे, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, अरे हैप्पी हैप्पी रहने का, प्लीज डोंट वरी, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। तो हमने इस जंग में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, ये सब किया है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी हैव फॉट दिस डिजीज सो स्ट्रॉन्गली। आज तक ने लिया एक अमेजिंग इनिशिएटिव। अभी कोविड टाइम्स में आपको सबसे ज्यादा अगर किन्हीं की जरूरत पड़ी होगी तो वो थे नन अदर देन हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस, और इस बार हम लोग ने सोचा क्यों ना उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए, क्योंकि उनकी मदद के कारण ही आज हम लोग जिस स्थिति में हैं काफ़ी उभर पाए हैं, चाहे वो कोरोना टाइम्स में हो, लॉकडाउन के दौरान हो, देवर ऑल टाइम तट पर। और इस वक्त हमारे साथ अनु मलिक जी है, क्योंकि यहाँ वो भी अमेजिंग ट्रिब्यूट देने वाले। सो वेलकम टू द न्यू ईयर ईव ऑफ आज तक एज वेल एज बॉम्बे हॉस्पिटल। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज जो आज तक ने ये इनिशिएटिव लिया है टू सेलिब्रेट जो काम हमारे कोविड वॉरियर्स, जैसे अभी आपने कहा डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, आई थिंक ये वक्त आया जब मुझे एक फ़ोन आया कि अनु जी आप आके कुछ गाना वाना गा सकते हैं। मैं बोले किसके लिए? हम बॉम्बे हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, और डॉक्टर गौतम जी का कोई बड़े प्यारे इंसान का फ़ोन आया। मैंने बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो बेचारे समझे कि शायद मैं पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैंने उससे कहा कि देखिए जो आपने ये सवाल किया कि आप आ सकते हैं, ये मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे याद किया, ये मेरा नसीब अच्छा है कि आपने मुझे कहा कि ये काम करें। सबसे पहले मैं इनको सलूट करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। आप जानती हैं, आपने भी फोर फ्रंट पर रखे इंटरव्यूज़ लिए हैं, लॉकडाउन में हम सब हैं, मार्च 22 से लेकर
अगर मैं आज निकला हूँ तो हिम्मत करके निकला हूँ, लेकिन इनके लिए अगर नहीं निकलूँगा तो किसके लिए निकलूँगा। और मैं यहाँ आया हूँ आज, और भी अच्छे अनेक बड़े बड़े कलाकार आएंगे, मैं बहुत दिल से परफॉर्म करना चाहता हूँ और उन सबको थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। साथी भाई, आज की शाम और सुहानी होने वाली है क्योंकि अनु जी की आवाज़ की जो झनकार है वो हम लाइव सुनने वाले हैं सर। बिल्कुल, कुछ टाइम स्लॉट मिला हुआ है और वो मैं गाने गाऊंगा। मेरे कुछ लोकप्रिय गाने इन्होंने ही डिमांड करे डॉक्टर्स ने कि आपका वो एक गर्म चाय की प्याली तो हमको सुनना है, और उन्होंने कहा कि ऊंची बिल्डिंग भी सुनना है, और किसी ने कहा कि आपका वो मोमो के धागे जो अभी 3 राष्ट्रीय पुरस्कार लिखे लोकप्रिय हुआ गाना वो भी सुनना था। मैं बोला जरूर सुनो, गाना है ही नहीं आपका जो लोकप्रिय ना ही हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मैं हिंदुस्तान अपने प्यारे देश को मैं नमन करता हूँ, और जितने भी देशवासी हैं मेरे संगीत को जो पसंद करते हैं उनके लिए भी गाता हूँ, गाने बनाता हूँ। लेकिन आज का ये जो दिन है, दिस बिलोंग्स कम्प्लीटली टू द रियल कोविड वॉरियर्स, टू द डॉक्टर्स, द सपोर्ट स्टाफ एंड द नर्सेज एंड वार्ड बॉयज भी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कितने डॉक्टर्स ने, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हैं, और इट्स हार्ट रेंचिंग। तो मैं भगवान को नमन करता हूँ कि आपने मुझे चुना है क्या ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए मैं आऊँ और गाना गाऊँ। हम लाइव परफॉर्मेंस तो देखने वाले हैं, लेकिन इट विल बी इनकम्प्लीट अगर मैं इंटरव्यू में 2 लाइन भी ना सुनूं अनु सर आपसे। मैं डॉक्टर्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि जो मोहब्बत हुई है इनसे, ये चंद लफ्ज़ों में, चंद शब्दों में नहीं कही जा सकती, मगर अपने गाने के अंदाज में कहूँगा, ये मोह मोह के धागे, डॉक्टर्स, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। और आज तक के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से प्यारा ना देश था, ना देश है और ना देश रहेगा। इससे मैं बार बार, लोग बोलते हैं कि आप अनु मलिक हैं, आप गाने कैसे बनाते हैं, मेरा देश मुझे इंस्पायर करता है, तो उसके लिए भी गाऊंगा, एक गाना गाऊंगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हिंदुस्तान को भी नमन करता हूँ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। साथ ही में सर, जाने के पहले क्यों ना नए वर्ष की भी आप शुभकामनाएं दे दें। 2020 फाइनली विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज गुजर गया है, 21 आ रहा है। 2020 के बारे में जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है, 2021 आने को है। मैं अपने सभी देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं मच इन एडवांस देना चाहता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस प्यारे देश में ये कोविड की बीमारी चली जाए और सारे विश्व में खुशियाँ हों, क्योंकि सबकी कड़ी सबके साथ जुड़ी हुई। आपने नोटिस किया होगा इस कोविड के दौर में कि सारी दुनिया एकजुट इससे लड़ रही है। तो मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कहूँगा कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें, और अपना देश बड़ा स्ट्रॉन्ग देश है, एंड वी विल हैव अ फैंटास्टिक 2021। Lastly, आप सबको एक मैसेज, सैनिटाइजर और मास्क इज वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा आपने ये सवाल उठाया है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, वो बहुत सही बात है, तो बिल्कुल, मगर मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, जैसे हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं ऑन ऑल योर चैनल्स, हाथ धोते रहिए। कहते हैं द बेस्ट मेडिसिन to fight this COVID is when you keep on washing your hands, कम से कम 20 seconds,
जो हमने सीखा है, एंड एहतियात मतलब बरतते रहिए, अंडरस्टैंड कि ये बीमारी है और इससे लड़ सकते हैं हम इफ़ यू फॉलो व्हाट द डॉक्टर्स से. तो अगेन कमिंग बैक टू द डॉक्टर्स, आज मैं इनके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं इन कोविड वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स को, सपोर्ट स्टाफ, नर्सेस को नमन करता हूँ. ग्रेट. सो अनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस अमेजिंग इनिशिएटिव में. देखते रहिए आप भी आज.